हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक टेक वीडियो है, और आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ आईबॉल के एक मिनी लैपटॉप का, जिसका नाम है कॉमबुक। एंड ये विंडोज़ 10 इनबिल्ट है। तो क्विकली इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस को देख लेते हैं। एंड एक स्टिकर आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट नॉट फॉर ऑनलाइन सेल्स, वारंटी वैड इफ परचेज्ड सोल्ड ऑनलाइन, रिटर्न टू ऑनलाइन सेलर। सो ये प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदना अच्छा डिसीजन नहीं होगा, सो मेक श्योर कि आप इसे किसी ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदें। और इसका कलर है चॉकलेट ब्राउन। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसर है इंटेल एटम X5 Z8350 प्रोसेसर, एंड दैट्स अप टू 1.92 GHz। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है इस लैपटॉप में, एंड मेमोरी 2GB की है, एंड दैट इज़ 2GB ऑफ DDR3 रैम, एंड 32GB की इनबिल्ट स्टोरेज है। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है जो 128GB तक सपोर्ट करता है, एंड एक स्लॉट दिया गया है जिसे आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या SSD कनेक्ट कर सकते हैं। इस लैपटॉप की बैटरी की कैपेसिटी 10,000 mAh की है, और इसका कैमरा 0.3 MP का है। स्पीकर ड्यूअल स्पीकर्स है, एंड कॉम्बो जैक दिया गया है एक हेडफोन एंड माइक के लिए। कनेक्टिविटी आप यहाँ देख सकते हैं, वाईफाई की सारी डिटेल्स यहाँ दी गई है। और इस लैपटॉप का वेट 1.1 kg है। प्री इंस्टॉल विंडोज 10, फुल HD विद डिस्प्ले विद IPS टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी, हार्ड डिस्क SSD सपोर्ट है, ड्यूअल स्पीकर्स है, लॉन्ग बैटरी बैकअप है, एंड सीमलेस मल्टीटास्किंग ऑपरेशंस है, USB 3 है, एंड टच पैड इसका प्रिसिशन टच पैड है। तो इतनी सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख ली है। अब टाइम है इसकी अनबॉक्सिंग करने का, तो विल क्विकली अनबॉक्स दिस। हम लोग क्विकली अनबॉक्स करेंगे इस लैपटॉप का, एंड इसके अंदर कंटेंट्स दिए गए हैं क्या क्या है। एक नोटबुक है वो 11.6 इंच स्क्रीन का, एंड पावर अडैप्टर है, यूज़र मैनुअल है, क्लीनिंग क्लॉथ, वारंटी कार्ड, फीडबैक फॉर्म, इंस्ट्रक्शन नोट एंड इंस्टॉलेशन नोट्स। MRP ऑफ दिस लैपटॉप इज़ 12,999 rupees। तो आप देख सकते हैं ये अनबॉक्स हो चुका है। आजकल 12,000-13,000 में एक छोटा सा मोबाइल मिलता है लोगों को, और आईबॉल कंपनी एक मिनी लैपटॉप प्रोवाइड कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। और एक इसका कवर है, एंड दिस इज़ द लैपटॉप, वेरी हैंडी एंड वेरी लाइट वेट। इट्स फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी गुड। तो चलिए क्विकली अब इसे देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स दिया गया है इस लैपटॉप में, इस बॉक्स के अंदर। एक क्लीनिंग क्लॉथ है, हार्ड डिस्क एंड SSD इंस्टॉलेशन नोट दिया गया है, आप देख सकते हैं ये। और ये यूज़र मैनुअल है एंड वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल। सो मेक श्योर कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें, ये हेल्प करेगा आपको इस लैपटॉप को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में। एंड दिस इज़ कस्टमर कम डिटेल्स कम वारंटी कार्ड, सो दिस इज़ वारंटी कार्ड। ये इसका पावर अडैप्टर है, पावर अडैप्टर आईबॉल। चलिए क्विकली अब लैपटॉप को देखते हैं। सो लैपटॉप, ये इसका फ्रंट एक्सेलेंस OSD IPS स्क्रीन, एंड सीरियल नंबर दिया गया इस प्रोडक्ट का। और यहाँ स्पीकर देख सकते हैं आप दो साइड में, यहाँ पे बॉटम में स्पीकर हैं। और इसका मैं स्लॉट दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज़ योर USB 3 स्लॉट, एंड दिस इज़ पावर कनेक्टर। ये USB 3 स्लॉट है, एंड माइक्रो HDMI स्लॉट है। यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया गया है, आप इसमें 128GB तक का मेमोरी इंसर्ट कर सकते हैं। और एक और USB स्लॉट है, विच इज़ USB 2 आई फील, एंड दिस इज़ योर हेडफोन जैक। हेडफोन आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए क्विकली अब इसे देखते हैं। ये कुछ ब्रोशर है इसका, ओपन अप रिलेशन, थैंक यू ओपन अप रिलेशंस, एंड यहाँ पे सारी डिटेल्स दिए गए कहाँ क्या है। अब देख सकते हैं ईयरफोन यहाँ कनेक्ट करना है, चार्जिंग पिन इज यहाँ पे कनेक्ट करना है। एक नोट यहाँ दिया गया है कि जब भी आप इसे पहली बार यूज़ करें एटलीस्ट 2 आवर्स चार्ज करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंटेल इनसाइट का स्टिकर लगा हुआ है। दिस इज़ योर टच पैड, टच पैड इज स्मूथ, फील्स लाइक, एंड बिकॉज ये आईबॉल कंपनी का है तो आई की इज़ हाईलाइटेड हेयर, सो इट इज़ इन रेड। एंड लेट्स
क्विकली सेटअप दिस। सो पावर बटन ये है, आपको इस पावर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा है, ब्लू कलर का इंडिकेटर। लैपटॉप सेटअप अब स्टार्ट हो गया है और मैसेज प्रॉम्प्ट कर रहा है, जस्ट ए मोमेंट। इस विंडो पे इंग्लिश सेलेक्ट करके यस पे क्लिक कर दें। इंटर प्रेस करते रहें, नेक्स्ट विंडो पे ये मूव होते रहेगा। एंड आई हैव सिलेक्टेड इंडिया as my reason. Your keyboard is set to English India. I keyboard ka input mein, keyboard layout mein ye select kar raha hu, English India. Skip this, ye keh raha hai connect network. So yahan pe aap skip par now dekh sakte hain, just press this and now accept it. Who is going to use this PC? Aap apna naam de dein is PC mein. Set your password and then confirm the password again. अब इस विंडो पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करने पड़ेंगे। टोटल 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करने हैं एंड उसके आंसर्स स्टोर करने हैं ताकि आप पासवर्ड भूल जाने पे आप इसे रिट्रीव कर सकें। तो ऐसा पासवर्ड डालें जो आप रिमेंबर कर सकें उस पासवर्ड को। गिव नो फॉर नाउ एंड प्राइवेसी सेटिंग्स यहाँ इस डिवाइस का दिया गया, विल डायरेक्टली क्लिक ऑन एक्सेप्ट और नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट डन। सो नाउ दैट योर लैपी इज रेडी फॉर यूज, सो आप देख सकते हैं हाय यहाँ वी आर getting everything ready for you. So it's just setup is happening. जब ये setup हो तो do not turn off your PC. Meanwhile मैं power socket को connect करके आपको दिखाता हूँ, charging socket. Power adapter को आप charging socket में connect कर दें और जब आप connect कीजिएगा तो थोड़ा hard press कीजिएगा। आप देख सकते हैं red indicator जल रहा है power connect करने से पहले और मैं इसे निकाल रहा हूँ, थोड़ा hard push करना है और ये इंडिकेटर बंद हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ एक जगह और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गैप है और धीरे से प्रेस कीजिए आप इसे और ये कनेक्ट हो गया और ये अब चार्ज। सो ऑलमोस्ट देयर, सो नाउ आवर विंडो इज़ रेडी। सो आई फील कि ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपका बजट कम है और कंप्यूटर और लैपटॉप का रिक्वायरमेंट है तो आप डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस एंड बिकॉज इतने कम दाम में किसी भी कंपनी का कोई लैपटॉप नहीं आता है। विंडोज़ मेनू पे आप क्लिक कीजिए तो यू विल गेट ऑल दिस ऑप्शंस। ये डेस्कटॉप पे दिखेगा आपको सारे ऐप्स वगैरह, सारे माय ऑफिस भी इज ऑल्सो देयर। सो विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, ये की से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पीसी के कॉन्फ़िगरेशन को जानने के लिए मैं क्विकली आपको दिखा दूंगा कि दो 32 GB का इंटरनल मेमोरी है एंड यहाँ पे आप इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। विंडोज़ 10 इज़ इंस्टॉल्ड ऑन दिस मशीन एंड योर CPU एटम प्रोसेसर Z8350 CPU विथ 1.44 GHz एंड 2 GB का रैम है, 32 bit ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लुकिंग गुड एंड ये विंडोज़ का लाइसेंस प्रोडक्ट आईडी दिया गया यहाँ पे। सो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। सो अगर आपको कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ है आपके बच्चे की या किड्स को कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है लैपटॉप एंड बजट इज़ नॉट देयर, सो आप प्रॉबली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इस डिवाइस को परचेज करने में। सो आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो
आप कमेंट डालिए, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपको जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। मैं रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग, डेमोस्ट्रेशन एंड फीचर्स के डिटेल्स प्रोवाइड करते रहूँ, सारी डिटेल्स मैं प्रोवाइड करूँ। मेरी ये कोशिश हमेशा रहेगी ताकि मैं अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दे सकूँ। सो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी लैपटॉप लेना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।